अगर कुछ हटा रहा हूँ तो कुछ लाऊंगा भी। मेरी नीयत पर और मेरी इरादों पर विश्वास रखना, बस विश्वास रखना। झूठ के सहारे मैं अपने बच्चों को जीने नहीं देता। वास्तविकता तुम्हें जानना इसलिए ज़रूरी है ताकि तुम एक बेहतर और मजबूत इंसान बनो और मुझ पर तुम विश्वास करो। देखो, अगर तुम मुझ पर आश्रित रहोगे ना तो कभी ज़िंदगी में दुख या धोखा नहीं मिलेगा, बल्कि जो मुझ पर आश्रित रहता है, जो सच्चे भाव से मुझे स्मरण करता है ना, मैं सदैव उसका कल्याण करता हूँ। उसके हर काम में, हर पल हर क्षण उसके साथ मौजूद रहता हूँ। और फिर तुम पर तो इतनी कृपा हुई है कि तुम मेरी अनुभूतियों को महसूस कर पाते हो, फिर क्यों अपने आप को बदकिस्मत कहते हो? तुम्हारी किस्मत बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है। कुछ चंद लोगों के वजह से अपने आप को बुरा मत ठहराओ। इतने आगे तक संघर्ष करके आए हो तो अब अपने संघर्ष का, अपने मेहनत का इनाम भी तो लेकर जाओ। मेरे इस दरबार से कोई खाली नहीं लौटा है। तुमने तो मुझे बहुत कुछ दे दिया जो मेरे बहुत से बच्चे सालों साल में नहीं देते हैं। तुमने तो मुझे सच्चा भाव दे दिया। अपना पिता, अपनी माँ, अपना बड़ा भाई, अपनी बहन, हर रिश्ते से तुमने मुझे परखा, तुमने मुझे देखा, तुमने मुझे पूजा। यही मेरे लिए बहुत है। इसके बदले में मेरा प्यार का भंडार तुम्हारे लिए हमेशा खुला है। तुम्हारे ऊपर मेरी कृपा है और विशेष कृपा होगी। तुम्हें अनुभूतियाँ होंगी, तब तक खुश रहो, निश्चिंत रहो, सब कल्याण होगा।